सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली एप्पल लेके आ गया है अपना ऑल न्यू आईफोन 13 लाइनअप। शुरुआत करते हैं 13 मिनी के साथ में, जाएंगे ऑल द वे टिल 13 प्रो मैक्स। आज अभी वीडियो को आगे लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लेके आने वाला आपके लिए सरप्राइज, बहुत सारे कमाल इसी ऑल आईफोन 13 लाइनअप से जुड़े हुए। तो आप सोच सकते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी इसी नए नए आईफोन 13 की। मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको शुरुआत में बता देता हूं कि यार मजा बहुत ज्यादा इसलिए भी आने वाला है कि यहां पे जो प्राइसिंग है इस बार आईफोन्स की वो बिल्कुल सेम अगर रखी है पिछले बार के आईफोन 12 लाइनअप की तरह। लेकिन मजे की बात कि हमारे पास में है नए नए और एड ऑन्स, नए नए बेनिफिट्स इसी पूरे लाइनअप में। तो यार यहां पे एप्पल के लिए शुरुआत करते हैं पहले तालियों के साथ में। और यहां पे अब दोस्तों करते हैं शुरुआत इस वीडियो की इसके साथ में, जो कि है आईफोन 13 लाइनअप, जहां पे हमारे पास में है आईफोन 13 मिनी और आता है ये आईफोन 13। मैं शुरुआत कर चुका हूं तो आप भी यार शुरुआत करी दो, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एक्साइटेड हो कुछ अपकमिंग क्रेजी नेक्स्ट लेवल सरप्राइजेस के लिए तो यहां पर करते हैं शुरुआत सबसे पहले डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिजाइन जो है वो आपको बिल्कुल आईफोन 12 की ही याद दिलाएगा, जहां पे अगेन दोस्तों स्क्वायर्ड डिजाइन है और आपको जो कंप्लीट डायमेंशन मिल रहे हैं वो बिल्कुल सेम है आईफोन 12 मिनी और 12 की तरह इसी नए 13 मिनी और 13 में। जहां पे एक चीज का जो चेंज हुआ है ना वो है दोस्तों थिकनेस यहां पे हल्की सी बढ़ गई है और उसका फायदा हमको मिला है और ज्यादा बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ में। लेकिन उसके अलावा डिजाइन जो है वो आपको मोर ऑर लेस सेम मिल रहा है। बस यहां पे आपको जो एक चेंज मिलेगा वो है इस कैमरा प्लेसमेंट में, जहां पे दोस्तों अभी ये कैमरा जो है ड्यूल कैमरा सिस्टम ये डायगोनली प्लेस्ड है इस आईफोन 13 लाइनअप में। और यहां पे बाकी अगर आपसे बात करता हूं कुछ और चेंजेस की डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे दोस्तों जो डिस्प्ले है उसमें जो नॉच का साइज है वो छोटा हो गया है। तो मतलब यहां पे जो पूरा वो फेस आईडी वाला मैकेनिज्म है वो और कॉम्पैक्ट एरिया में फिट कर दिया है एप्पल ने। तो ऐसे में आपको और ज्यादा इमर्सिव व्यू एक्सपीरियंस मिलने वाला है डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां पे दोस्तों खैर इनफैक्ट जो डिस्प्ले है वो भी अभी और ज्यादा एनहांस्ड हो गया है, जहां पे आपको और बेटर ब्राइटनेस मिलने वाली है। ऑफ कोर्स यहां पे सिरेमिक शील्ड को तो एप्पल ने यूज किया ही है। और यहां पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं इंटरनल्स की, तो ये लेके आते हैं अपने साथ में लेटेस्ट एप्पल A15 बायोनिक चिप, जहां पे अभी हमारे पास में 6 कोर दोस्तों है सीपीयू, 4 कोर है जीपीयू, अगेन ये बनी है 5 नैनोमीटर्स पे। और यहां पे दोस्तों जो बैटरी है वो भी और बेहतरीन मिलने वाली है और जो परफॉर्मेंस है वो भी और ज्यादा बेहतरीन मिल जाएगी। और यहां पे दोस्तों जो परफॉर्मेंस है ना वो बेसिकली हमारे पास में ये जो कंप्लीट कैमरा सिस्टम है इसमें दोस्तों जो है वो बहुत ही सही मिलने वाली है परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी यहां पे एप्पल दोस्तों लेके आ गया है सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन अपने पूरे लाइनअप में। तो चाहे हम बात करें 13 मिनी की, चाहे दोस्तों बात करें 13 की, हमको यहां पे इसमें भी मिलने वाला है पहली बार तो ऑल न्यू सेंसर वाइड एंगल कैमरे के लिए, जहां पे दोस्तों जो पिक्सल साइज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यहां पे इसके अलावा क्योंकि दोस्तों ये आता है सेंसर नो शिफ्ट स्टेबलाइजेशन के साथ में, तो आपको जो फोटोज और वीडियोस वगैरह हैं वो और ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। अगेन दोस्तों ये 12 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा है, 12 का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी है 12 मेगापिक्सल का। और ये है कुछ कहानी इसी एप्पल आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 की। अब इसके अलावा खैर चेंजेस और बहुत सारे हुए हैं। अगर दोस्तों से बात मैं करता हूं खैर वीडियो की, तो यहां पे एक नया भी ऑप्शन आया है सिनेमैटिक वीडियो का। तो ये मतलब रैक फोकस टेक्नोलॉजी जो है, जो दोस्तों अभी काम में ली जाती है बेसिकली प्रोफेशनल वीडियोस में, आपने देखा होगा, तो वो हमको इन फोन्स में मिल रही है। और यहां पे इसके अलावा मतलब ये जो काम है ये आप वीडियो शूट करने के बाद में भी कर सकते हैं, आपको फोकस एडजस्ट करना है और ये सब सारी पूरी चीजें हैं ना, ये इन फोन्स को और ज्यादा बेहतरीन बना देती हैं। अब यहां पे एक और जो चेंज दोस्तों हो गया है वो है इनकी स्टोरेज। तो अब यहां पे जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो है 128 GB का, जो कि पहले 64 हुआ करता था। तो मतलब सेम प्राइस रखते हुए एप्पल ने काफी भी मजा जो है वो बढ़ा दिया है। तो अभी यहां पे ये आते हैं 128, 256 और 512 GB स्टोरेज कैपेसिटीज के साथ में। अगर आपसे बात मैं करता हूं कि यार प्राइसिंग की, तो यहां पे जो 13 मिनी है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 69,900, बिल्कुल सेम है आईफोन 12 मिनी की तरह जब पिछले साल वो लॉन्च हुआ था। और अगेन अलग अलग वेरियंट अवेलेबल है ऑल द वे अप टू 512 GB। साथ में आईफोन 13 है उसकी भी जो स्टार्टिंग प्राइस है 128 GB के लिए वो है 79,900 और ये भी जाता है दोस्तों ऑल द वे अप टू 512 GB, जिसकी प्राइस होगी 1,09,900 रुपए। आगे दोस्तों अगर आपसे बात मैं करता हूं यहां पे अभी प्रो लाइनअप की, तो ये है अभी नया ऑल न्यू एप्पल आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स।
अगेन अगर हम शुरुआत करें डिजाइन के साथ में, तो यहां पर जो डिजाइन है वो आपको काफी हद तक सेम लगने वाला है पुराने आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स की तरह, लेकिन ये भी यहाँ पे हल्की सी और नो थिकनेस लेके आ जाते हैं, बिकॉज जो बैटरी लाइफ है वो और ज्यादा एनहेंस कर दी है यहाँ पे एप्पल ने। और यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है इसका साइज आपको थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो कैमरा सिस्टम दोस्तों इस बार भी ऐड किया है, ऑल न्यू सेंसर्स, ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज, तो यार वो देख के भी काफी अच्छा लगता है। अगेन यहाँ पे भी जो पूरा फेस वाला सिस्टम है वो श्रिंक हो गया है, तो ऐसे में आपको और छोटी यहाँ पे नॉच मिल रही है, तो आप अच्छे से डिस्प्ले को और बढ़िया अपना जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपसे बात में करता हूँ, तो अगेन A15 बायोनिक चिप है। इस बार यहाँ पे दोस्तों जो प्रो मॉडल्स हैं वो आते हैं 8 GB रैम के साथ में, और यहाँ पे है 5 कोर GPU और 6 कोर CPU। अगेन यहाँ पे हमारे पास में जो स्क्रीन है उसमें भी एनहांसमेंट्स हो गए हैं, जहाँ पे सिरेमिक शील्ड है। अगेन जो ब्राइटनेस है वो भी दोस्तों बढ़ गई है आउटडोर्स में, जो कि है अभी 1000 nits की। लेकिन अभी ये आते हैं ऑल न्यू प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ में, जहां पे दोस्तों जो स्क्रीन है उसकी रिफ्रेश रेट है फ्रॉम 10 Hz to 120 Hz, डिपेंडिंग ऑन कि क्या दोस्तों आप कंटेंट देख रहे हैं, कैसे आप कैसे अपने फोन को यूज कर रहे हैं। ये बड़े आराम से iOS 15 में अडेप्ट की जाएगी और आपको मिलेगी बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग परफॉर्मेंस इसी डिस्प्ले की, तो यार ये भी काफी अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों यहां पर आपसे बात में करता हूं कैमरा की, तो यहां पे एप्पल ने पहली बार दोस्तों जो सेंसर है उसको चेंज कर दिया है, आपको और बेहतरीन लो लाइट इमेजरी जो है वो मिलने वाली है। अगेन यहां पे जो पिक्सल साइज है वो बढ़ गया है, जो एपर्चर है वो भी F1.5 हो गया है। साथ में दोस्तों ये जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना, इसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जहां पे अभी ये आता है F1.8 एपर्चर के साथ में, और यहां पे ये एक ऑटो फोकस कैमरा है, यानी कि हमको अल्ट्रा वाइड के साथ साथ मैक्रो का ऑप्शन भी मिल गया है, तो आप बेहतरीन मैक्रो फोटोज या वीडियोस, इनफैक्ट मैक्रो में स्लो मोशन का ऑप्शन भी है, तो वो सभी काम दोस्तों आप कर सकते हैं इन्हीं फोन्स के साथ में। और इसी के अलावा यहां पे जो अभी नया दोस्तों टेलीफोटो कैमरा है वो भी आता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में, तो अगेन ये आपको और बेहतर जूम रेंज दे पाएगा। और साथ में नाइट मोड जो है वो ऑल अक्रॉस तीनों कैमरास भी आप यूज कर सकते हैं, तो आई मीन ये दोस्तों सारी चीजें हैं ये कैमरास को नेक्स्ट लेवल लेके जाती हैं। और साथ में फिर हमारे पास में एक नया जो सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन है, तो ये जो सिनेमैटिक मोड है इसमें आप जो फोकस का चेंज देखते हैं वीडियो शूट करते समय या शूट करने के बाद में, तो वो सब चीजें आपको और ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देती हैं। और अगेन क्योंकि आईफोन 12 सीरीज का दोस्तों मतलब आईफोन स्टार्टिंग से यार कैमरा की अगर हम बात दोस्तों करते हैं स्पेशली वीडियो की ना, तो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन अगर आप किसी से भी कंपेयर करते हैं। और यहां पे अभी ये लगता है कि लेवल एक और अप लेके चले गए हैं, वो वीडियो कंपैरिजन वाला कोई सीन रहेगा नहीं अभी किसी और फोन के साथ में। जहां पर दोस्तों इनफैक्ट अगर आपसे बात में करता हूं, तो अभी प्रोरेस वीडियो का ऑप्शन भी आने वाला है अपडेट के साथ में, तो वो चीजें और एनहांस कर देंगे पूरे एक्सपीरियंस को। तो ये है एप्पल आईफोन 12 के बाद में अभी 13 लाइनअप में नया 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स। प्राइसिंग अगेन बिल्कुल सेम है, और मजे की बात कि अभी यहाँ पे एक नया 1 TB वाला मॉडल भी आ गया है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वेरिएंट्स हैं वो है 128, फिर है 256, फिर है 512, और उसके बाद में है ऑल द वे सीधा 1 TB। जो स्टार्टिंग दोस्तों प्राइस है वो है 119,900 रुपए, और 13 प्रो मैक्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 129,900 रुपए, जो कि पिछले साल के 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पर दोस्तों ऑल द वे 1 TB नो स्टोरेज वाले ऑप्शन है, जहां पे अगर आप यही ऑप्शन आईफोन 13 प्रो के साथ में, तो उसकी प्राइस है 1,69,900, और 13 प्रो मैक्स के लिए वो प्राइस होने वाली है 1,79,900 रुपीज। और यहां पे भी एक नया सियरा ब्लू वाला कलर आ गया, जो कि मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट लग रहा है और काफी एकदम ऐसे नो अच्छा सा लगता है। तो यहां पे ये हैं नए नए प्रो मॉडल्स, साथ में हमारे पास में थे ये वाले स्टैंडर्ड मॉडल्स, और अगेन यहां पे भी नए नए कलर्स आए हुए हैं अभी एप्पल की तरफ से। तो ये है पूरी कहानी इस एप्पल आईफोन 13 लाइनअप की। और मजे की बात दोस्तों अभी इस बार ये हो गई है कि इंडिया में जो इनकी अवेलेबिलिटी है ना, वो बिल्कुल सेम है जो ग्लोबल दोस्तों अवेलेबिलिटी है फर्स्ट वेव की, जो कि है 24th of September। 17 September से प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, 24 तारीख से फोन मिल जाएंगे। तो आई मीन ये है पूरी कहानी, और मेरे ख्याल से मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। मतलब चाहे हम बात करें परफॉर्मेंस की, चाहे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कैमरा इंप्रूवमेंट्स की, कैमरा भी यार बहुत जरूरी होता है स्मार्टफोन्स में, बैटरी को भी इंप्रूव कर दिया है एप्पल ने, साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट्स, मतलब ऑल इन ऑल डिजाइन आप अगर देखेंगे ना, तो आपको वो काफी फेमिलियर लगने वाला है। और डिजाइन के अलावा बाकी जो भी चीजें हैं उनमें आपको सारे जो इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से
मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। बाकी अगर आप बताओ नीचे कमेंट करते हुए कि आपका क्या है कहना इसी पूरे आईफोन 13 लाइनअप के बारे में। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।